श्रद्धा हत्याकांड में अब तक सबसे बड़ा खुलासा पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने माना उसने ही श्रद्धा का हत्या की। फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से खबर, आफताब को श्रद्धा की हत्या का कोई भी अफसोस नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब का बिल्कुल सामान्य व्यवहार, पुलिस को जांच में सहयोग की उम्मीद। पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयार हो रही रिपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी। एक दिन पहले प्री मेडिकल टेस्ट हुआ, आज भी टेस्ट रिपोर्ट आएंगे। कल होगा श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट, कोर्ट से मिल चुके हैं मंजूर। अंबेडकर अस्पताल में होना है नार्को एफएसएल में पूछे जाएंगे 40 से ज्यादा सवाल। आफताब के घर में कई हिस्सों से मिले खून के धब्बे, पुलिस कर सकती है डीएनए का मिलान। श्रद्धा मर्डर में करीबियों से पूछताछ जारी, सबूत तलाशने में जुटी है पुलिस। पुलिस ने आफताब की श्रद्धा को दी गई अंगूठी भी बरामद कर ली है। दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी लड़की सदमे में है। गुजरात में वोटिंग से पहले डोर टू डोर कैंपेन, कल पहले दौर के लिए हुआ मतदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे घर घर जाकर प्रचार, अहमदाबाद, महीसागर और वडोदरा में कई कार्यक्रम। गुजरात के दूसरे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज अमित शाह की कडाना, असरवा और तखतपुरा में रैली। दूसरे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तूफानी प्रचार, अहमदाबाद, खेड़ा में रोड शो। नड्डा ने आज तक खास बातचीत में किया दावा, गुजरात को मिलेगी एक तरफा जीत। पीएम मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल तीन रैलियों को करेंगे संबोधन। कल गांधीनगर में रहेंगे पीएम मोदी, 2 दिसंबर को 4 रैलियां। पीएम मोदी अब तक गुजरात में कर चुके हैं 20 रैलियां, 7 जनसभाएं अभी बाकी। 2 दिसंबर को अहमदाबाद में पीएम मोदी की रोड शो और रैली। इसी के साथ खत्म होगा प्रचार अभियान। इस साल 20 नवंबर को शुरू हुआ था चुनावी अभियान, पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 34 सभा को किया था संबोधन। गुजरात चुनाव में बदजुबानी पर सियासत, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जब तक कांग्रेस मोदी जी को गाली देती है जनता उनकी झोली खाली कर देती है। कल गोधरा में मुख्यमंत्री योगी का रोड शो, ट्रेन हत्याकांड को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर गोधरा के लिए राम भक्तों के प्रति एक सम्मान। मैनपुर उपचुनाव में ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मियों की लिस्ट हुई वायरल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। लिस्ट में 500 पुलिसकर्मियों का नाम, यादव जाति और मुस्लिम को छोड़कर सभी जातियों के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही। 4 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव आयोग में दाखिल किया चंदे का हिसाब, बीजेपी को 21 से 22 में मिले 614 करोड़ रुपए। 20,000 से ज्यादा चंदे वाले का हिसाब, कांग्रेस ने 21 से 22 में कांग्रेस को मिले 95 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में सरकार, 21-22 में 44 करोड़ का फंड मिला। सीपीएम के खाते में 21-22 में आए 10 करोड़ रुपए, सिर्फ केरल में है सरकार। तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार के खाते में आए 43 लाख रुपए, चुनाव आयोग ने जारी की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार में जुटे केजरीवाल, आज मलकागंज इलाके में करेंगे प्रचार। एमसीडी चुनाव में सीएम केजरीवाल का मैराथन प्रचार, दिल्ली में प्रचार के दौरान गंदगी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने बीजेपी के वीडियो वार पर किया प्रहार, कहा बोरिंग वीडियो में कम से कम रिंकिया के पापा तो डाल देते। केजरीवाल ने दी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चुनौती, कहा 15 साल में एमसीडी में बीजेपी का एक भी काम बताएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल को किया निमंत्रित, जड़ौदा पुलिस स्टेशन में गिनाए काम। एमसीडी चुनाव से पहले आपको झटका, दिल्ली कैंट से आपके पूर्व विधायक कमानू सुरेन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। आज तक से बातचीत में बोले मनीष सिसोदिया, कहा एमसीडी में बीजेपी के 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। एमसीडी चुनाव में दलित वोटरों को साधने की कोशिश में लगी कांग्रेस, जारी किया दलित मैनिफेस्टो। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अमित अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई। मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं अमित, बनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से के हैं डायरेक्टर। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान एंट्री से पहले से एक साथ आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनकी दोनों की तस्वीर हाथ उठाकर खिंचवाई गई है। तस्वीर गहलोत और पायलट को राहुल की नसीहत, राजस्थान के लिए दोनों मिलकर करें काम, बयानबाजी से बचें, वेणुगोपाल ने संदेश सुना। पायलट को गद्दार कहने वाले गहलोत ने मारी पलटी, कहा जब राहुल ने कह दिया तो हम सब एसेट हैं। तस्वीर के बाद भी दूरियां बरकरार, हाथ उठाने के बावजूद भी आपस में नहीं हुई बात। सचिन पायलट का बयान, कहा राजस्थान में सभी एकजुट हैं, प्रदेश में नंबर 1 होगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के उज्जैन पहुंचने पर बोले राहुल गांधी, यात्रा कांग्रेस की नहीं हिंदुस्तान की यात्रा है, महाकाल के जयकारे लगाए।
दाखिल के दरबार में राहुल गांधी ने लगाई हाजिरी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे विधि विधान के साथ की पूजा। मैनपुरी में प्रचार में जुटे अखिलेश यादव, प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी को मिली जमानत। सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन के दरमियान गिरफ्तारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, निचले अदालत के नाजुक हालत नाजुक बताकर नहीं दी थी। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 15 लोग हुए घायल। बहराइच में डीएम ने बताया जयपुर से लखनऊ आ रही थी बस, ट्रक ने बस को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 4 घायल, लोगों की हालत गंभीर। कन्याकुमारी में पकड़ा गया सीसीटीवी चोर, एक बंदर अब तक ले गया है 13 कैमरे। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की गई आग में जान। 3 मंजिला फर्नीचर की दुकान में लगी थी आग, ऊपर की मंजिल में रहने वाला परिवार आग की लपटों में घिरा। मुंबई के गोरेगांव के जंगलों में लगी आग, आईटी पार्क के पीछे के इलाका धू धू कर जला। एमपी की युवती का उड़ीसा में शव बरामद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की सीबीआई जांच की मांग। 60 गज में मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला का आया 21 लाख का बिजली का बिल, विरोध में बिजली निगम ने बजवाए ढोल। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर डाला एक वीडियो, करीब से बाघ की तस्वीर इसमें देखी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का वीडियो, गाड़ी के ड्राइवर और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को नोटिस। रवीना के वीडियो पर दी गई सफाई, लिखा हमने बेहद शांति से बाघ को देखा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में देखा था बाघ, वन विभाग के कैमरे में कैद। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से ही निकला बाघ, घंटों ठप रहा ट्रैफिक, वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कल देर शाम 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा, सड़क निर्माण के कारण गाड़ियां फंसी रही। मथुरा जेल से रिहा किया गया 15 बांग्लादेशी, अवैध तरीके से रह रहे थे, अब सीमा पार छोड़े जाएंगे। दिल्ली के पंचायत में महिला ने अपने समधी की चप्पलों से की पिटाई, बेटी की शादी से थी नाराज। उत्तराखंड की हल्द्वानी में रहस्यमयी आग से घर वालों में दहशत, 20 दिन में 20 बार लग चुके हैं। एमपी के श्योपुर में महिला शिक्षक ने हनुमान मंदिर के नाम पर 1 करोड़ की संपत्ति की वसीयत में लिखा, क्रियाकर्म भी हनुमान मंदिर ट्रस्ट के लोग ही करें। अपनी मांगों के विरोध में हड़ताल पर बिजली कर्मचारी, आधा सहारनपुर अंधेरे में। बिहार के हाजीपुर में खस्ता हाल पुलिस, पेट्रोलिंग में जाते वक्त खटारा जीप ने दिया जवाब। वायुसेना के जवानों ने 1000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, आधा दर्जन से अधिक देशों के डेलीगेट कार्यक्रम में थे मौजूद। बीमा कंपनी से मुआवजा नहीं मिलने से संतरा किसान भड़के, सड़कों पर संतरा फेंक कर निकाला गुस्सा। यूपी के बाराबंकी में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 410 जोड़ों की शादी, मंत्री सतीश शर्मा ने दिया आशीर्वाद। राजस्थान की पाली में सर्दी आते ही भगवान को कंबल से लपेटा गया, सालों से चली आ रही है परंपरा। हल्द्वानी की 16 वर्षीय मीमांसा जोशी का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स कराटे चैंपियनशिप में कमाल, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा। गर्लफ्रेंड के 3 करोड़ की फरमाइश पूरी करने के लिए एटीएम से करता था चोरी, पुलिस ने धर दबोचा शख्स। बाराबंकी में पकड़ा गया बैंक गैंगस्टर नसरुद्दीन, तस्करी से अर्जित की गई थी अकूत संपत्ति, उपयोगी कुर्क। 36 घंटे में धरे गए पेट्रोल पंप के नकाबपोश लुटेरे, सीसीटीवी से पकड़े गए बदमाश। थाने में रसीव गैस के हिसाब से विस्फोट, 2 महिलाएं झुलस गई। सड़क किनारे एक्टिवर पर बैठे बाप बेटे पर चढ़ा कंटेनर, दोनों सही सलामत बचे। गुवाहाटी पुलिस ने 500 किलोग्राम गांजा जब्त किया, कीमत 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, 4 गिरफ्तार। और अयम किसान की मौत पर हंगामा, डीजल लेने गए किसान का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। वाराणसी में एक शख्स की मौत हुई, शादी में डांस करते वक्त 40 साल के शख्स को अचानक आया हार्ट अटैक। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर, पूरे परिवार खाई में जह गिरा, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। आरा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने वारदात को दिया था अंजाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, बड़ा मैच, वनडे सीरीज बचाने के लिए जीत जरूरी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंचा इंग्लैंड, आखिरी ग्रुप मैच में वेल्स को 3 गोल से रौंदा। इंग्लैंड के मार्कस राशफोर्ड का चला जादू, दागे 2 गोल। अमेरिका भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचा, ईरान को 1-0 से दी मात। अमेरिका की जीत के हीरो रहे क्रिश्चियन प्लुलिस्टिक, 38वें मिनट में दागा जीत वाला गोल।